नमस्कार, जय श्री राम। मैं अजय सिंह सैनी, आज कोमनासा में हम आए हैं। यहाँ पर हमारा जो आज इनसे मिलना हुआ सुभाष चंद्र जी से, ये वही सुभाष चंद्र जी हैं जिनका बेटा पिछले 2 महीने से गायब है, जो इंडियन नेवी में सर्विस कर रहा था और 27 फरवरी 2024 को वो मिसिंग हुआ और ऑन ड्यूटी, और 29 फरवरी को इनको कन्वे किया गया कि इनका बेटा जो है मिसिंग हो गया। उसके 4 दिन बाद यहाँ पर उस पर कोई मिसिंग रिपोर्ट लिखी जाती है। उसके बाद इस फैमिली ने, इनके पिताजी ने वहाँ पर भरपूर प्रयास किया, जो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो हमारे MLAs हों, चाहे वो हमारे MPs हों, चाहे वो हमारे जो मौजूदा सरकार है उनका कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उनसे मिलकर, और यहाँ तक कि जो हमारी सुप्रीम चेयर है हमारे जम्मू कश्मीर की, यूटी की, गवर्नर, माननीय गवर्नर से ये मिले। इन्होंने अपना जो आगे दुख है उनके समक्ष रखा कि हमारा बेटा पिछले 2 महीने से गायब है और आज तक उसकी खबर नहीं है कि आखिर हमारा बेटा है कहाँ पर। इन्होंने भरपूर प्रयास किया, मगर वहाँ से जो आगे रिप्लाई आता है वो यही आता है कि शाम तक आपको रिपोर्ट दी जाएगी, आपको स्टेटस बताया जाएगा कि क्या अभी तक आपने या हमने किया है। मगर अभी तक इनके पास कोई भी एक पुख्ता जानकारी नहीं है इनके बच्चे के लिए कि इनका बच्चा साहिल वर्मा आज कहां पर है। इस कौमनासा ने, लोगों ने, सब ने इनके साथ सहयोग करके उस बच्चे के लिए, जो बच्चा पूरे कौमनासा की आंखों का तारा था, सबका प्यारा था, अच्छा बच्चा था, उसके लिए भरपूर प्रयास किया, प्रदर्शन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर आज तक हमारी सरकारों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे प्रशासन ने इन तक एक भी मैसेज कन्वे नहीं किया कि आखिर इनका बच्चा है कहाँ। तो आज हमसे इसी बारे में चर्चा इनके साथ हुई है, यही बात आज हम अपने जो प्रधान एकम सनातन भारत दल के अंकुर शर्मा जी उन तक पहुंचाने वाले हैं, और हम कुछ ही दिनों में इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। अगर कानूनी हमें कार्रवाई करनी पड़ी, कानून का हमें सहारा लेना पड़ा, तो कोर्ट के माध्यम से हम वो भी करेंगे, या लोगों की सपोर्ट से, पूरे जम्मू के डोगरों की सपोर्ट से, अगर हमें इस इश्यू को प्रेशराइज करके इनके बच्चे को ढूंढने में कोई मदद मिल सके, उसमें भी हम भरपूर प्रयास करेंगे। इसीलिए हमारा यही कहना है कि आप लोग भी सारा अपना सहयोग इनके साथ बनाए रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम फिर भी अभी ये गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संज्ञान ले। ये पिता सताए हुए एक गरीब फैमिली है जिनका एक बेटा मात्र कमाने वाला था, और ये खुद बहुत ज्यादा मतलब गरीब लोग हैं, तो इनकी सुनी जाए, इनकी सुनवाई सुनी जाए, और इनके लिए पैसे का आज कोई महत्व नहीं है, इनके लिए इनका बेटा जरूरी है, आखिर बताया तो जाए इनका बेटा है कहां पर है। इसीलिए हम आने वाले 1-2 दिन में इनकी ये बात जो है, अगर हमें लगेगा कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से इस इश्यू को हम उठा सकते हैं, जिससे इनका बच्चा पता चल सके कि आज किस स्थिति में है, या फिर अगर हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा सरकार पर, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद।